गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर बुक का पेज नंबर 6 करेंगे। इसमें पेज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर आई आज हम लोग अभी करेंगे। इसमें हम लोग को करना है टिक द करेक्ट वर्ड, मतलब जो वर्ड सही है उसमें हम लोग को टिक का साइन लगाना है। जैसे 1 नंबर में है ए नर्स वर्क्स इन अ डैश, तो एक नर्स कहाँ काम करती है, बैंक, हॉस्पिटल या जू, तो हॉस्पिटल में काम करती है तो हम लोग हॉस्पिटल में टिक करेंगे और यहाँ हॉस्पिटल लिखेंगे। सेकंड, वी स्लिप इन द डैश, हम लोग कहाँ सोते हैं, बेडरूम, किचन या पार्क, तो बेडरूम में, तो बेडरूम के बॉक्स में हम लोग सही का साइन लगाएंगे और यहाँ बेडरूम लिखेंगे और सेंटेंस कंप्लीट करेंगे वी स्लिप इन द बेडरूम। थर्ड में द डैश लिव्स इन वाटर, तो पानी में कौन रहते हैं, टाइगर, क्रो या फिश, तो फिश मतलब मछली, तो हम लोग इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ फिश लिखेंगे और सेंटेंस कंप्लीट करेंगे द फिश लिव्स इन वाटर। फोर्थ, वी यूज़ अ डैश टू प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पेंसिल, बैट या नेट, तो बैट, हम लोग यहाँ बैट का पे सही का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ बैट लिखेंगे और सेंटेंस कंप्लीट करेंगे वी यूज़ अ बैट टू प्ले क्रिकेट। अब क्वेश्चन नंबर जे, ये आपका होमवर्क है। इसमें आप लोगों को करना है कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। यहाँ कुछ खाली जगह दिया रहेगा जिसको आप लोगों को उस वर्ड को कंप्लीट करना है। यहाँ कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है इसके थ्रू, जैसे फर्स्ट यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, तो 2 नंबर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब 2 नंबर में किस चीज़ का फ़ोटो है, पिकॉक, तो यहाँ पी ई लिखा हुआ था, हम लोग यहाँ ए सी लिखा हुआ था, ओ सी के, ये लिख करके इसको कंप्लीट किए। वैसे ही आप लोगों को सारे पिक्चर्स को देखना है नंबर वाइज, सब में नंबर लिखा हुआ है, आपको पिक्चर्स पहचान करके उसको फील करना है।